सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जन सरोकार मंच टोंक राजस्थान का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कहानी के संदर्भ में एक मुझसे जैसा आदेश हुआ है देवेंद्र जोशी जी का कि मैं अपनी एक कहानी पढ़ूँ आपके समक्ष, उसका वाचन कर। कहानी असल में कहानी कोई अच्छी या बुरी नहीं होती मेरी नज़र में। अधिकांशतः ये कहा जाता है कि ये कहानी बहुत अच्छी है, ये कहानी बेकार है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि कोई कहानी है तो वो अच्छी या बुरी नहीं होती। हाँ, कहानी की प्रभावान्विति जो है वो अलग अलग हो सकती है। कहना था कि प्रभाव की अनुवृत्ति जो है उस पर निर्भर करती है। कहानी लिखने वाला लेखक वो किसी बात से प्रभावित होता है, किसी प्रभाव, कोई प्रभाव उसके मस्तिष्क पर पड़ता है जो उसको उत्प्लावित करता है और जिसके कारण वो कुछ लिखता है और उस कहानी को इस प्रकार से लिखें कि दूसरा पढ़ने वाला जो पाठक है उस पर भी प्रभाव की अनुभूति हो, तो वो एक सफल कहानी कही जा सकती है। अब ये निर्भर करता है कि लेखक जब कहानी लिख रहा है तो वो कहानी के जो भी तत्व हैं उनके आधार पर कहानी को कितना प्रभाव उत्पादक बना सकता है या बना पा रहा है। तो इन सारी बातों पर कहानी का सृजन निर्भर करता है जहाँ तक मेरा अपना विचार है। और कहानी लिखने में, कहानी अपने आप में किसी युग का एक दस्तावेज है। कई विद्वानों ने तो इसे इतिहास भी कहा है कि ये कहते हैं कि अपने समय का इतिहास होती है कहानी, कि हम कोई कहानी लिख रहे हैं तो वो अपने समय के इतिहास को व्यक्त करती है। कहानी और इतिहास में यदि हम बात करें तो केवल यही अंतर है कि कहानी में तारीख और नाम के अलावा अन्य सारी बातें सत्य होती हैं, जबकि इतिहास में नाम और तारीख ही सत्य होता है, बाकी सब कुछ असत्य होता है। तो यही कहानी और इतिहास में थोड़ा सा अंतर है। वरना कहा भी है कि यदि प्रेमचंद युग का इतिहास खो जाता है तो प्रेमचंद की कहानियों से हम उस इतिहास को दोबारा लिख सकते हैं, ऐसा भी कई विद्वानों ने कहा है। और कहानी अपने आप में एक ऐसी विधा है जो किसी भी युग में, किसी भी काल में अपनी अपनी उपयोगिता उसने सिद्ध की है। वर्तमान युग में तो कहानी को हम शिक्षण के रूप में कहानी का प्रयोग भी करना कर रहे हैं। जो भी शिक्षण से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि कहानी को शिक्षण का एक बहुत अच्छा माध्यम माना गया है। तो कहानी की उपयोगिता को हम नकार नहीं सकते। आधुनिक युग में जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं उनको पढ़ें और लिखने का प्रयास करें तो हम कहानी लिख सकते हैं। कहानी लिखना बहुत कठिन कार्य नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना प्रत्येक चीज़ के लिए चाहिए। कोई भी विधा है उसको लिखने के लिए, उसमें लिखने के लिए उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मुझे लग रहा है कि मैं कहानी को प्रारंभ करूं। मेरी कहानी का शीर्षक है परुलदी। ये हमारे उत्तराखंड के कुमाऊनी अंचल, कुमाऊनी परिवेश पर लिखी गई एक कहानी है। बहुत दिनों बाद माँ बाबूजी से मिलने गांव जा रहा था। माँ से कई बार मिन्नतें कर चुका हूँ कि चलो माँ साथ रहेंगे, पर उसका हमेशा एक ही जवाब होता कि जब तक तेरे बाबूजी रिटायर नहीं हो जाते हम यहीं इसी गांव में रहेंगे। तू हमारी चिंता मत कर बेटा, हम आते जाते रहेंगे, कभी कभी तू भी आ जाया करना बस। बाबूजी पास ही के गांव के प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर हैं, पुश्तैनी घर से ही
आते जाते हैं। आंगन में पहुंचते ही अंदर से आ रही आवाज सुनकर मैं ठिठका और तेजी से अंदर की ओर भागा। वो वही थी। अरे परुल दी, नमस्कार। अनायास ही मेरे हाथ जुड़ गए। कब आई तू? कहाँ चली गई थी अचानक? हो गया हो महीना भर, ऐसा ही हुआ ये, परुल दी बोली। और आपके बाल बच्चे ठीक होंगे? आशान्वित प्रश्न किया उसने और मेरे जवाब का इंतजार किए बिना माँ से बोली, अच्छा चलती हूँ हो, मैं मास्टरानी जी, देर हो रही है। माँ ने उसे रुकने को कहा और मेरे थैले में से जरा जलेबी, दो अमरूद के दाने और एक पैकेट मिश्री का निकाला और एक थैले में लपेट कर परुल दी को पकड़ाते हुए बोली, ले बच्चों को दे देना, और तो कुछ नहीं लाया ये। क्या जरूरत थी? कहते हुए परुल दी ने थैला अपनी फटी धोती के पल्ले में बांध लिया और नंगे पांव धम्म धम्म की आवाज करती हुई चली गई। चिरपरिचित आवाज थी यह। परुल दी जब भी आती, पत्थर बिछे हुए आंगन में नंगे पांव धम्म धम्म चलते हुए आवाज लगाती, कहाँ हो अंदर वालों? उसकी आवाज के साथ पैरों की धम धम ऐसी लगती जैसे पुराने मधुर फिल्मी गीतों के साथ तबले की संगत। पास के ही शिल्पकारों के बस्ती में रहती थी परुलदी। भरा पूरा परिवार था उसका, एक बेटा किशन, बहू सरुली, दो बेटियां, दोनों की शादी हो गई थी। किशन के भी दो बच्चे थे, बड़ा बेटा बबलू और छोटी बेटी कमला। परुल दी ने हाड़ तोड़ मेहनत कर इनको पाला था। पति तो 25 साल पहले ही साथ छोड़ चुका था। किशनवा भी कुछ न करता था, कभी मन आने और काम मिलने पर मिस्त्री का काम कर लेता, अधिकतर इधर उधर घूमकर कहीं ताश पत्ते खेलकर दिन निकाल देता था। कई हुनर थे परुल दी के पास। आंख में कुछ अटक जाए, कहीं मोच आ जाए, कमर में दर्द हो या बच्चों के पेट में दर्द हो, चुटकी में ठीक कर देती। वह सांप के काटने का जहर उतारने का मंत्र भी जानती थी। लोग कहते थे कई लोगों की जान बचाई है परुल दी ने। गांव वालों के लिए चलता फिरता अस्पताल थी वह। कैसी भी बीमारी हो, आदमी एक बार परुल दी को जरूर बताता। अचानक एक दिन परुल दी गायब हो गई। कोई कहता परुली भाग गई है, कोई कहता नहीं अपनी रिश्तेदारी में गई है। परुल दी के बेटे किशन से पूछो तो कहता, पता नहीं हो कहाँ गई है, हमको बता के जो क्या गई है। 55 वर्ष की उम्र में कहाँ गई परुल दी, किसी को कुछ पता नहीं। मान की आवाज ने मेरी तंद्रा तोड़ी। दूध दुहलाई हूं, अब बनाती हूं हाँ चाय, तेरे बाबूजी भी आते ही होंगे, साथ ही पियेंगे। मैं अपनी उत्सुकता नहीं रोक सकता था। मैंने माँ को रोकते हुए सा कहा, चाय पी लेंगे, पहले बता तो परुल दी कब आई, कहाँ गई थी वो, तुमने उससे पूछा? दरे क्या बताऊं, कलजुगी निकला किशन में, बेशर्म कहीं का, पिनालू के पात का पानी हो गया वो। परुली को 50,000 रुपये में किसी डॉक्टर को बेच आया बल मेरठ में, माँ ने मेरे पास बैठते हुए कहा। मैं सन्न रह गया, दोनों पैर चारपाई में रखते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? माँ ने बात जारी रखी। परुली बता रही थी डॉक्टर के यहाँ नौकरानी का काम करती थी, सुबह से शाम तक थक जाती थी, ऊपर से डॉक्टर गालियाँ भी देता था। दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे, दो बच्चे थे उनके, एक बेटी और एक बेटा। बेटे को मैं भौवा कहकर बुलाती थी। परुलदी से पार्वती बन गई थी मैं। कोई कभी मजाक बनाने के लिए पारो कहता और हंसता था। बेटे के प्रसाद नया जन्म हो गया था इसी जन्म में। भगवान दुश्मन को भी ऐसा बेटा न दे हो,
कहते हुए परुलदी की छोटी छोटी आंखें भर आई। उन्हें अपनी धोती से पोंछते हुए बोली, अपना आदमी रहा नहीं, बेटे बहू से तो इतनी नफरत हो गई कि उनका नाम सुनने को मन नहीं करता। जब तक ये निगोड़ी जान बची है कहीं तो सिर टेकना ही है। जैसे भी हैं खाना दे रहे हैं, सिर छुपाने को जगह मिल रही है, यही सोचकर दिन काटने लगी। जो दिन कट जाता वही अपना। एक दिन डॉक्टर की लड़की की आंख में खेलते खेलते लकड़ी की छील चुभ गई। घर में कोहराम मच गया था। डॉक्टर घर आकर मुझ पर बरस पड़ा। क्यों रखा है तुझे? बच्चों का ध्यान नहीं दे सकती? 50,000 रुपये खर्चे हैं तुझ पे, साली काम की न काज की दुश्मन अनाज की। बेटी को अस्पताल ले जाया गया लेकिन छील नहीं निकाली जा सकी। पूछने की हिम्मत तो न थी। डॉक्टर को फोन पर बात करते हुए सुना था कि दिल्ली ले जाना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। अगले दिन डॉक्टरानी घर पर ही रही। हिम्मत करके मैं बोली, मेम साहब बुरा न मानो तो बिटिया की आंख एक बार मैं भी देख लूं। क्या करेगी तू देख के, ये गांव नहीं है, मेम साहब झड़कते हुए बोली। मैं गिड़गिड़ाई, एक बार मेम साहब, बस एक बार। अच्छा ठीक है, पर कोई छेड़छाड़ मत करियो, और सुन उसके बाद एक कप चाय ले आइयो। डॉक्टरानी ने मुझ पर एहसान करते हुए कहा। मैंने बिटिया को गोद में बिठाया। वो दर्द के मारे जोर जोर से रो रही थी। आंख की पलक उठाकर देखा, अपने गले की मूंगे की माला में लटका कनगड़ा निकाला। और क्या कहूँ हो मास्टरानी जी, तुम अच्छा कहो या बुरा, मैंने बच्ची के आंख से छील निकाल दी। बच्ची का दर्द कम हो गया, वो भागती हुई अपनी माँ के पास चली गई। डॉक्टरानी भी खुश हो गई। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। मैं भी खुश थी कि आज साहब खुश हो जाएंगे। मेरी कमर भी उस दिन कुछ सीधी हो गई थी। डॉक्टर ने घर में आते ही बेटी को देखा और दहाड़ते हुए मुझे आवाज़ लगाई, कहाँ गई पार्वती, कम हियर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी नु हाथ लगाने की? तुम डॉक्टर हो, सर्जन हो, क्या औकात है तुम्हारी? तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहते हुए उसने पुलिस को फोन मिलाया। मेरी तो सांस ही जैसे अटक गई थी। पुलिस वाले मुझे पकड़कर थाने ले गए। वहां मुझे बताया गया कि डॉक्टर ने मेरे खिलाफ बिना डिग्री के ऑपरेशन करने एवं उनकी बेटी की जान लेने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। रात भर में वहीं रोती रही। सुबह मुझे छोड़ दिया गया। बाहर आने पर पता चला कि डॉक्टरानी और पड़ोसियों के समझाने पर डॉक्टर साहब ने मुझ पर यह मेहरबानी की है। छूट तो गई थी, पर मन ही मन में सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊंगी, इससे अच्छा तो जेल खाने में ही रहने देते, दो बार का खाना तो मिलता। पर ऊपर वाले ने मेरा इंतजाम कर दिया था। डॉक्टर के पड़ोसी शर्मा मासाब और उनकी पत्नी थाने आए थे मुझे ले जाने। दोनों मियाँ बीबी मास्टर थे। दोनों सुबह स्कूल चले जाते। उनको छोटे बच्चे की देखभाल के लिए मेरी ज़रूरत थी और इस समय मुझे उनकी, समझते थे इतने को तो मासाब ठहरे। मैं उनके साथ चल दी बिना कोई सवाल जवाब के। डॉक्टर राठी ने ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ पार्वती, हमें तो बहुत बुरा लगा, शर्मा मासाब कहते जा रहे थे लेकिन मुझे जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। माँ साहब के यहाँ दिन ठीक कट रहे थे। आदमी तो वे ठीक ही लग रहे थे, पर मुझे अब किसी पर कोई भरोसा नहीं रह गया था। वैसे भी जिस माँ को उसका बेटा मेला दिखाने के बहाने बेच गया हो वो और लोगों पर क्या विश्वास कर सकती है। घर में पिटा बैल बाहर हवा की सरसराहट से भी डर जाता है, इसलिए उतना ही काम करती जितना मुझसे करने को कहा जाता। अचानक एक दिन इतवार को मोहल्ले में हल्ला हो रहा था और डॉक्टर राठी के घर कोहराम मचा था। मैडम से पूछा तो पता चला कि डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया है। तुम भी कहोगे हो कि ये परली भी कैसी है हो, पर तुम जो समझते हो, मैं कुछ नहीं बोली या मेरा कुछ बोलने को मन नहीं किया, जो लगाते हो। बीच बीच में खबर पूछ लेती
पता चला कि बेटे को कहीं बाहर के अस्पताल में ले गए। रात को नींद भी हरा गई थी। जमीन पर चिथड़े पर लेटे लेंटर वाली छत की ओर पता नहीं कब तक देखते रही। अचानक जोरों से रोने की आवाजों ने मेरा ध्यान तोड़ दिया। डॉक्टर का बेटा नहीं रहा। हम वहीं जा रहे हैं पार्वती, घर और बच्चे का ध्यान रखना, शर्मा माँ साहब ने बाहर से आवाज़ लगाई। मैं भी बार बार खिड़की के पास पहुँच जाकर सुनने की कोशिश कर रही थी, तभी दरवाजे से माँ साहब ने आवाज़ दी। मैंने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला। माँ साहब के साथ डॉक्टर भी आया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी डॉक्टर राठी मेरे पैर पकड़कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो पार्वती, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे को बचा लो, और कहते कहते वहीं गिर गया। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं मैं। माँ साहब के मुंह देख रही थी। मन तो मेरा भी कर रहा था कि भौआ को देख आऊं, पर फिर मन घचक जाता। माँ साहब कहने लगे, चल पार्वती, गलती तो इंसानों से ही होती है। डॉक्टर साहब माफ़ी भी मांग रहे हैं, चल, तू तो सयानी है, बच्चे को देख ले, आ चल उठ। पहाड़ी औरत का मन ठहरा हो। माँ साहब टार्च जलाकर रास्ता दिखा रहे थे। उनकी गोद में उनका बच्चा भी था। डॉक्टर को तो जैसे कोई होश नहीं था। मैं भी दौड़ दौड़ कर चल रही थी। रास्ता अधिक लंबा नहीं था, पर जरा घूम कर जा रहे थे, क्योंकि रास्ते में विष झाड़ने के लिए सिवई निर्गुंडी के सौंग भी टहनी भी ले जानी थी। घर पहुंचते ही मैं भौवा के पास पहुंची। उसका सारा बदन नीला होता जा रहा था। मैंने नाड़ी देखी। भौवा, ओ भौवा, आवाज़ लगाते हुए मुंह पर हाथ लगाकर देखा। तात तो अभी थी। डॉक्टरनी जमीन में बैठकर भगवान की फोटक पकड़कर रो रही थी। मैंने उससे कहा, मेम साहब चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो भौवा ठीक हो जाएगा। जरा चावल और बर्तन लाने को कहकर मैंने अपने धोती की गांठ से डांसी पत्थर निकाला और सिवाई के सौंग के भौवा के शरीर में चढ़ गए जहर को झाड़ने लगी। तीन झड़ाई के बाद ही भौवा के मुंह से आवाज़ निकलने लगी। सब लोग मुझे देखने लगे थे। डॉक्टर डॉक्टरनी भौवा के पास आ गए थे। वे बड़ी आस से मेरी तरफ देखने लगे। पांच झड़ाई खत्म होते ही भौवा ने आँखें खोल दी, खुशी से खिल गए थे। डॉक्टर डॉक्टरनी तो जैसे पानी हो गए थे। वो मेरे पैरों में गिर गए। डॉक्टर अंदर जाकर 100-100 के नोटों की एक गड्डी ले आया और मुझे देने लगा। मैंने सिर हिलाकर मना किया। न जाने क्यों मेरा मन अब उससे बोलने को नहीं कर रहा था। मैंने माँ साहब से चाबी ली और सीधे घर आ गई। सच्ची कहूँ तो मुझे अपने पर घमंड भी हो रहा था। मुझे अपने पर घमंड भी हो रहा था, हो मास्टरानी जी। दूसरे दिन डॉक्टर डॉक्टरनी सुबह ही भौवा को लेकर माँ साहब के घर आ गए। आज माँ साहब और मैडम भी घर ही थे। कल रात के जागरण की वजह से दोनों ने छुट्टी ली थी शायद। फिर से डॉक्टर का परिवार माफ़ी मांग रहा था। वे अब मेरे लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन मैंने कोई इच्छा नहीं की हो। कल से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। कल सूरज कहाँ से आया होगा, मैं मन ही मन सोच रही थी। शाम को अचानक दरवाजे पर किशनवा खड़ा दिखाई दिया। मैंने मन का भैम समझा और काम पर लग गई। ईजा, मैं किशन, कहता हुआ वह आया और मेरे पैरों में सिर रखकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दे ईजा, मेरे से गलती हो गई, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये तो मैं रोज ही कहती हूँ, मैं मन ही मन सोच रही थी। वो कहते जा रहा था, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है ईजा। जब से तुझे यहाँ पहुँचाया है, तब से एक घड़ी चैन से नहीं बैठा हूँ। गोट से नंबर लगा, पहले बैल गिरकर मरा, फिर बकरी को बाघ गोट से ही उठा ले गया। ले देकर एक गाय बची थी। एक दिन सरुली जंगल घास को गई और पैर फिसल कर घट के पाटे की तरफ बरकते हुए अमसरकोट के गधेरे पहुंच गई। कुछ नहीं बचा था उस पर, खाली सांस चल रही थी। बिरादर डोली में जग कर घर लाए और दोपहर के बाद
लकड़ी में बांध कर बागेश्वर ले गए। मेरा तो संसार ही उजड़ गया ईजा, किसी तरह दो बच्चों के लिए जिंदा था, तेरे पास आने की हिम्मत ही नहीं हुई। इतने से भी भगवान का मन नहीं भरा, मेरे कर्म ही इस लायक हैं। 4 दिन पहले कमला स्कूल से एक तरफ झुककर पैरों को लचकाते हुए आई, पूछने पर कहती है अपने आप पता नहीं क्या हो गया, बागेश्वर के बड़े अस्पताल ले गया, एक्सरे भी कराया, कुछ पता नहीं चला। डॉक्टरों ने एडमिट करने को बोला, बिस्तर पर लिटाकर 2 दिनों तक पैर पर 2 ईंट बांधकर लटका दी कि हड्डी खिसकी होगी तो बैठ जाएगी। ये डॉक्टर भी आजकल छर्रा मार टाइप के हो गए हैं, बहुत सारी दवाएं दे दी जिससे ठीक हो गई, ठीक हो गई तो ठीक, नहीं तो आगे रेफर। शर्मा मासा बीच में ही बोल पड़े, हाँ साहब ठीक कह रहे हो, ईंट लटकाने से भी कुछ नहीं हुआ, अब कह रहे हैं पोलियो के लक्षण लग रहे हैं, जांच करनी पड़ेगी, इसकी तो रिपोर्ट भी ऊपर तक भेजनी पड़ती है। मैं डर गया ईजा, वहाँ घर में बबलू को दयालदा के यहाँ छोड़ आया था, इसलिए कल कमला को कंधे पर रखकर अस्पताल से भागकर घर चला गया। मुझे माफ कर दे ईजा, ये सब मेरे कारण हुआ। माँ चाय चढ़ाने किचन की ओर चल दी। कमला का क्या हुआ फिर, अब वो कैसी है, मैंने माँ से पूछा। चाय बनाते हुए ही माँ ने किचन से बताया कि वो तो स्कूल में खेलते समय एक नुकीले पत्थर पर गिर गई थी, पर डर के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया। परुलदी ने आकर बबलू और कमला से प्यार से पूछा तो उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि कमला स्कूल में गिर गई थी। परुली ने सुबह शाम नमक और नींबू का सेक किया, अब कमला बिल्कुल ठीक है। चाय का कप टेबल पर रखते हुए माँ ने कहा, तेरे बाबूजी भी आ गए हैं, पैर छूते हुए मैंने उनसे कुशल सेम पूछी। टेबल पर चाय के कप से धुआं उठकर कहीं छत तक जा रहा था, मैंने परुलदी की सरल मुखाकृति को याद कर मुस्कुराते हुए चाय का कप होंठों से लगा लिया। अरे यह क्या, यह तो अभी भी गर्म है, चाय से मेरी जीभ जल गई थी। धन्यवाद। ये कहानी थी परुलदी, कहानी थी परुलदी। इस कहानी के बाद एक गजल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, मेरी ही लिखी हुई गजल है। यदि आपका आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिले तो मैं अपनी गजल पढ़ना आपके सामने पढ़ने की इच्छा रख रहा हूँ। मुझ पे ए जाने तमन्ना ये करम रहने दो, अपनी यादों से मेरी आँख को नम रहने दो। मुझ पे ए जाने तमन्ना ये करम रहने दो, अपनी यादों से मेरी आँख को नम रहने दो। हिचकियाँ आश दिलाती हैं बुझे मन को मेरी, हिचकियाँ आश दिलाती हैं बुझे मन को मेरी। अब भी दिल में है तुम्हारे ये भरम रहने दो, अब भी दिल में है तुम्हारे ये भरम रहने दो। इनको अब बख्श भी दो और सितम रहने दो। मुझ पे ए जान तमन्ना ये करम रहने दो, मुझ पे ए जान तमन्ना ये करम रहने दो। अपनी यादों से मेरी आँख को नम रहने दो, हिचकियाँ आश दिलाती हैं बुझे मन को मेरी, हिचकियाँ आश दिलाती हैं बुझे मन को मेरी। अभी दिल में है तुम्हारे ये भरम रहने दो, आपकी राह में नजरों को बिछाए बैठे, आपकी राह में नजरों को बिछाए बैठे। इनको अब बख्श भी दो और सितम रहने दो।
तुम कभी आंख के पानी को न मरने देना, तुम कभी आंख के पानी को न मरने देना। तुम हो इंसान, ये इंसान का भरम रहने दो। तुम हो इंसान, ये इंसान का भरम रहने दो। नन्हे हाथों में किताबें वो कलम ही हों बस, नन्हे हाथों में किताबें वो कलम ही हों बस। बस करो अब के ये हथियार ये बम रहने दो। बस करो अब के ये हथियार ये बम रहने दो। तुम युवा हो तो गलत रोक लो देखो जब भी, तुम युवा हो तो गलत रोक लो देखो जब भी। अपने खून को न यूं जमने दो गरम रहने दो। अपने खून को न यूं जमने दो गरम रहने दो। शेर मैं आपको और सुनाता हूँ। कौन और किसकी मेजबानी में, कौन और किसकी मेजबानी में जल रहे हैं दिए यूं आधी में। मैं हकीकत में भी भटकता हूँ कोई किरदार सा कहानी में, कोई किरदार सा कहानी में। कौन और किसकी मेजबानी में जल रहे हैं दिए क्यों आधी में। मैं हकीकत में भी भटकता हूँ कोई किरदार सा कहानी में। चांद उतरा है फिर जमी पर लो, आसमां है वहां उदासी में। यूं न परखो मेरे हुनर को तुम, मैं इबारत लिखूंगा पानी में, मैं इबारत लिखूंगा पानी में। कौन और किसकी मेजबानी में जल रहे हैं दिए यूं आधी में। एक गजल और आपके सामने पढ़ता हूँ। बज़्म दिल से हो जाना तो खबर कर देना, कोई सूझे न बहाना तो खबर कर देना। बज़्म दिल से हो जो जाना तो खबर कर देना, कोई सूझे न बहाना तो खबर कर देना। भारतेंदु जोशी जी, धन्यवाद। हम तेरी चाह में नजरों को बिछाए बैठे, हम तेरी चाह में नजरों को बिछाए बैठे। ख्वाब में चाहो जो आना तो खबर कर देना। ममता जी, धन्यवाद। सुने गजल। हम तेरी चाह में नजरों को बिछाए बैठे, हम तेरी चाह में नजरों को बिछाए बैठे। ख्वाब में चाहो जो आना तो खबर कर देना। संग बाहों में गुजारे थे जो लम्हे हमने, संग बाहों में गुजारे थे जो लम्हे हमने। याद आए वो जमाना तो खबर कर देना, याद आए वो जमाना तो खबर कर देना।
जख्म हमको तो जमाने से मिले हैं साकी, जख्म हमको तो जमाने से मिले हैं साकी, जुल्म तुमको भी हो ढाना तो खबर कर देना, जुल्म तुमको भी हो ढाना तो खबर कर देना। आगे की लाइनें फिर सुनाता हूँ। राजेंद्र कासवा जी कह रहे हैं, अपने आसपास के साहित्यिक माहौल के बारे में बताएं। सर, उत्तराखंड की हमारी ये जो कुमाऊँ की जो धरती है, ये अपने आप में साहित्य के क्षेत्र में बड़ी उर्वरा धरती है। शायद आप विदित भी हों, जानते भी हों, सुमित्रा नंदन पंत जो छायावाद के एक महान कवि रहे हैं, वो अपने इसी बागेश्वर जनपद के हैं। यहीं जहाँ पर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर दूरी पर उनका जन्म हुआ है। यहीं उनका मूल निवास यहीं है, यहीं घर है। तो ऐसी उर्वरा धरती पर हम रहते हैं और अपने प्रकृति ने भी इसको बहुत नियामतें बख्शी हैं कुमाऊँ को, कुर्मांचल अंचल को, पूरे उत्तराखंड को। तो साहित्य का माहौल तो यहाँ पर है ही। हमारे साथ में कई हमारे ऐसे समूह बने हैं जिस पर प्रकटेश्वर सृजन मंच करके हमारा एक सृजन मंच है जो बागेश्वर में इसमें कार्य करता है। आदरणीय डॉक्टर कुंदन रावत जी इसमें जुड़े हैं, वरिष्ठ कवि हैं। प्रशांत पांडे अवधूत जी हैं जो एक वरिष्ठ कवि हैं। मोहन जोशी जी हैं जो कुमाऊँ के एक बहुत विख्यात कुमाऊनी कवि हैं, हिंदी के कवि हैं। रामचरित मानस का उन्होंने हिंदी कुमाऊनी में अनुवाद अभी हाल में किया है। भगवत गीता का कुमाऊनी अनुवाद उन्होंने किया है। कामायनी का भी इवन उन्होंने कुमाऊनी एक भाषा बोली है हमारे उत्तराखंड की, हिंदी की ही एक उप बोली आप इसको कह सकते हैं, उसमें इन्होंने अनुवाद किए हैं। इस प्रकार से इसी प्रकार संजय गुरानी जी हैं, डॉक्टर गोपाल जोशी जी हैं, डॉक्टर के एन कांडपाल जी हैं, मनोज खोलिया जी हैं, दीप पांडे जी हैं। ये सारे सभी लोग मिलन बिष्ट हैं, बहुत अच्छे गज़ल लिखते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, आसपास भी हैं, कहानी भी लिखकार भी हैं बहुत अच्छे। महेश पुनेठा जी भी पिथौरागढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बहुत अच्छा लेखन करते हैं। इसी प्रकार से शंभु राणा जी हैं जो एक उत्कृष्ट व्यंग्य लेखक हमारे बीच में हमारे साथी हैं। तो अच्छा माहौल है सर, यहाँ साहित्यिक माहौल तो है ही, और फिर माहौल तो बनाने से बनता है। तो मैं गजल की अगली लाइन पढ़ता हूँ। जख्म हमको तो जमाने से मिले हैं साकी, जुल्म तुमको भी हो ढाना तो खबर कर देना। हमको मालूम सियासत की है फितरत तेरी, हमको मालूम सियासत की है फितरत तेरी, चाहो अखबार बनाना तो खबर कर देना, चाहो अखबार बनाना तो खबर कर देना। मैं समेटूंगा तुम्हारे सभी दर्दो गम भी, मैं समेटूंगा तुम्हारे सभी दर्दो गम भी, अश्क पलकों से गिराना तो खबर कर देना, अश्क पलकों से गिराना तो खबर कर देना। आज माँ देख ले राजीव चलाएगा, जो भी हमारे साथी सुन रहे हैं कृपया ध्यान दें। आज माँ देख ले राजीव चला आएगा,
एक दफा दिल से बुलाना तो खबर कर देना, एक दफा दिल से बुलाना तो खबर कर देना। बज्मे दिल से हो जो जाना तो खबर कर देना, कोई सूझे न बहाना तो खबर कर देना। धन्यवाद। एक देशभक्ति का भी एक गजल है मेरे, पुलवामा से पहके समय की घटना पर आधारित। फिर चुनाव होने हैं तो पुलवामा भुलाया नहीं जा सकता चुनाव से पहले। यदि इजाजत हो आपको, आप सभी की, कब तलक तुम यूं सजा कर अब रखोगे तीर को, दिल में ही कब तक दबा कर तुम रखोगे पीर को, कब तलक तुम यूं सजा कर अब रखोगे तीर को, दिल में यूं कब तक दबा कर तुम रखोगे पीर को, आने दो सैलाब फिर से जो बहा ले मुफलिसी, आँख में कब तक छुपा कर यूं रखोगे नीर को, आने दो सैलाब फिर से जो बहा ले मुफलिसी, आँख में कब तक छुपा कर यूं रखोगे नीर को, आ कलेजा चीर दे दुश्मन का मिलकर अब यहाँ, बांट कर दुश्मन के संग कब तक चखोगे खीर को, बांट कर दुश्मन के संग कब तक चखोगे खीर को, हो रहा अंधेर देखो तोड़ दो अब बेड़ियाँ, लाओगे झंडे में लिपटा कब तलक एक वीर को, खून खौला क्यों नहीं अब तक तेरा इस दौर में, ख्वाब से बाहर निकल अब थाम ले शमशीर को, खून खौला क्यों नहीं अब तक तेरा इस दौर में, ख्वाब से बाहर निकल अब थाम ले शमशीर को, हो गया है अब बहुत ये खेल खेल खूनी बस करो, हो गया अब ये बहुत ये खेल खूनी राष्ट्र में, दौर दहशत से निकालो अब मेरे कश्मीर को, दौर दहशत से निकालो अब मेरे कश्मीर को, लाल सूरज फिर उगेगा हर गली हर गांव में, है यकीन समझा दो जाकर उस सियासी मीर को, कब तलक तुम यूं सजा कर अब रखोगे तीर को, दिल में यूं कब तक दबा कर तुम रखोगे पीर को, आने दो सैलाब फिर से जो बहा ले मुफलिसी, आँख में कब तक दबा कर यूं रखोगे नीर को, हो गया है खून खेल खूनी अब बहुत ये राष्ट्र में, दौर दहशत से निकालो अब मेरे कश्मीर को। धन्यवाद। आगे भविष्य में फिर आप लोगों के साथ मुखातिब होने का मौका मिलेगा। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे सुना। आपको क्या मेरी कहानी कैसी लगी, आप जरूर आप कमेंट में बताइएगा। गजल कैसी लगी उस पर भी अपने कमेंट दीजिएगा। आपके कमेंट, आपके जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये एक लेखक के लिए, एक सृजनकर्ता के लिए पारितोषिक होती हैं, उसके लिए ऊर्जा का काम करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।